गुरु पूर्णिमा के अवसर पर चार धाम मंदिर में श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। पूज्य स्वामी महामंडलेश्वर स्वामी शांति स्वरूपानंद महाराज ने बताया कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर चार धाम मंदिर में गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 6 जुलाई बुधवार को होने वाले कार्यक्रम में श्रीमद् भागवत कथा का पूजन शाम 4 बजे से 7 बजे तक, प्रतिदिन 9 जुलाई को श्री कृष्ण जन्मोत्सव एवं 13 जुलाई गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रातः 10 बजे प्रवचन सत्संग गुरु पूजन पश्चात भंडारा एवं शाम 5 बजे से श्रीमद् भागवत जी की पूर्णाहुति की जाएगी। महामंडलेश्वर स्वामी शांति रूपानंद महाराज ने बताया कि ज्योतिर्लिंग भगवान श्री महाकालेश्वर का सावन मास में दर्शन का विशेष महत्व होता है, अतः ज्योतिर्लिंग मंदिर में रुद्राभिषेक एवं सावन में संतों एवं बटुकों का भंडारा करा सकते हैं, जिसमें रुद्राभिषेक बटुक भंडारा विशेष भंडारा दक्षिणा सहित अन्नपूर्णा अक्षय कोष में आजीवन सदस्यता भी शामिल होगी। सम्मत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सागुरु मेवाभि गच्छेत गुरु की शरण में जाए। गुरु भी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, अर्थात वो भी शास्त्र के वचनों के आधार पर ब्रह्मनिष्ठा को प्राप्त किया हुआ हो। तो गुरु पूर्णिमा में भी गुरु का महत्व इसलिए भी है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। तो जैसे हम लोग कहते हैं अंधेरा से कोई वस्तु ढकी हो तो अंधेरा को उजाला से हटा देते हैं, कोई कपड़े से ढकी हुई वस्तु हो तो कपड़े को हटाकर वस्तु देख लेते हैं, लेकिन आत्मा न कपड़े से ढकी है न किसी अंधेरे से, वो तो अज्ञान से ढकी है। और अज्ञान का ज्ञान गुरु ही कराता है, अज्ञान का आवरण गुरु ही भंग करता है। तो इस दृष्टि से गुरु परंपरा से यह गुरु पर पूर्णिमा का जो पर्व है वो बड़ा महत्व का होता है। और उसी दृष्टि से गुरु पूर्णिमा पर प्रतिवर्ष यहाँ पर चारधाम मंदिर में भी सत्संग का आयोजन होता है। और सत्संग की दृष्टि से लोगों को जो 3 चीज़ें दुर्लभ हैं कि मनुष्य का जीवन व्यक्ति को मिल गया है, मोक्ष की इच्छा हो पर महापुरुषों का संग ना हो, तो फिर वह मोक्ष की जो कामना है, आवागमन से मुक्ति का जो संकल्प है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, इससे बचने का अगर कोई उपाय है। आज के अंक में इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।